गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज. बच्चों जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होंगे एनिमल बॉडी के, ठीक है, जो उन्होंने कवर भी करते हैं, उन्होंने ऑर्गनस कवर करते, उन्होंने बॉडी कवर करते, उन्होंने टिश्यूज असं की बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज. एपीथीलियम कवरस मोस्ट ऑर्गनस एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. मैं हूँ ये दस चुकी हूँ तुम्हें कि जो एपीथीलियल टिश्यू आ, ठीक है, ये उन्होंने बहुत सारे ऑर्गनस कवर करते हैं. इट आलसो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सैपरेट. बैरियर बच्चे होंगे कि जिमें मतलब किसी न किसी दूसरे पार्ट तो अलग करता है, भाव एपीथीलियल टिश्यूज एज अ बैरियर भी वर्क करते हैं, जेडे एक बॉडी सिस्टम नू दूसरे बॉडी सिस्टम नालों सैपरेट भी रखते हैं, ठीक है. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वैसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी टब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपीथीलियल टिश्यूज. जिहड़ी साडी स्किन आ, ठीक है, जां जिहड़ी साडे माउथ दे अंदर साइड जिहड़ी लाइनिंग हुंदी आ, ठीक है, जदों तुसीं अपना माउथ ओपन करदे हो ना तो उहदे विच जिहड़ी माउथ दी लाइनिंग हुंदी आ, ओके, जिहड़ियां ब्लड वैसल्स दियां लाइनिंग हुंदियां ने, एलवियोली जिहड़े हुंदे आ लंग्स ते, किडनीज दियां जिहड़ियां टब्यूल्स हुंदियां ने, सारे एपीथेलियल टिश्यूज दे ही बने हुंदे आ. एपीथेलियल टिश्यू सैल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट. एपीथेलियल टिश्यूज दे जिहड़े सैल्स हुंदे आ ना, तुहानूं पता सैल्स तो ही टिश्यूज बनते आ, वह बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हुंदे आ, क्लोज हुंदे आ, और उन्हां दे विच की आ बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई स्पेस नहीं होंगी, ठीक है. दे हैव ओनली अ समॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन दैम एंड आलमोस्ट नो इंटरसैलर स्पेसिस, ठीक है, कोई भी किसी तरह की भी उन्होंने सैल्स के विचकार कोई स्पेस नहीं होंगी और उन्होंने की आ बहुत अमाउंट मतलब छोटी जी अमाउंट के सीमेंटिंग मटीरियल जोड़ा है प्रेजेंट होंगे. ऑबवियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपीथेलियम. कहते कि इस तरीके जिमें सपोज करो साड़ी बॉडी के जो अंदर एंटर हों अंदरों बहर आता है, ठीक है, जो एंटर करता ज लीव करता है वो एक ना एक जी एपीथेलियम की लेयर होंगी जरूर क्रॉस करके ही अंदर जाता है और क्रॉस करके ही बहर आता है. एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सैल्स ऑफ वेरियस एपीथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो इस सिटे की होंगे कि जो सैल्स परमेएबल होंगे परमेएबल भाव वो मटीरियल्स से की एक्सचेंजमेंट करवा सकते हैं, मटीरियल्स अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं, इस करके जो एपीथेलियल जोड़े आ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मटीरियल्स एक्सचेंज करवाने, चाहे उन्होंने बॉडी के अंदर मटीरियल भेजना हो बॉडी के बाहर रिमूव करना हो फिर पार्ट्स के जिमें एक्सचेंजमेंट करवानी हो, ठीक है. सो एपीथेलियल टिश्यूज ही हेल्प करते हैं. रिगार्डलैस ऑफ द टाइप ऑल एपीथेलियम इज यूजली सैपरेटड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्सट्रा सैलुलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. कहते कि जोड़े एपीथेलियम टिश्यूज होंगे, ठीक है, वो एक दूजे नालों एक अलग ही मैम्ब्रेन द्वारा की आ सैपरेट होंगे, ठीक है. डिफरेंट एपीथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनीक फंक्शंस. वक्खो वक्खरे एपीथेलिया होंगे और ये सारे की आ स्ट्रक्चर्स के एक दूजे नालों डिफरेंट होंगे और इन्हां दे वक्खो वक्खरे यूनीक फंक्शंस होंगे. फॉर एग्जाम्पल इन सैल्स लाइनिंग ब्लड वैसल्स और लंग एल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसिस अक थ्रो आ सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपीथेलियम. दिस इज कॉल्ड द सिंपल सैकोमोस एपीथेलियम. हाँ जी, सब तो पहला उन्होंने दसिया है कि जिहड़े साडे ब्लड वैसल्स या फिर जिहड़े लंग्स एलवियोली दे विच जिहड़े साडे एपीथेलियम सैल हुंदे आ वह बहुत ज़्यादा सिंपल हुंदे आ, फ्लैट काइंड ऑफ एपीथेलियम तो बनते हैं और उन्होंने असं की बोलते हैं सिंपल सैकमोस एपीथेलियम. ओके, डायग्राम देख सकते जो सिंपल सैकमोस एपीथेलियम दी. सिंपल सैकमोस एपीथेलियल सैल्स आर एक्सट्रीमली थिन. जिहड़े सिंपल सैकमोस एपीथेलियल सैल्स होंगे बहुत ज़्यादा थिन होंगे एंड फ्लैट फ्लैट होंगे एंड फॉर्म अ डेलीकेट लाइनिंग. डेलीकेट
डेलिकेट लाइनिंग पाफ सेंसिटिव लाइनिंग होंगी है ठीक है। द एसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आलसो कवर्ड विद सैकमोस एपिथिलियम। कहते जी सा एसोफेगस होंगी फूड पाइप और जी माउथ की लाइनिंग होंगी है वह भी कि कवर होंगी है सैकमोस एपिथिलियम के नाल। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आलसो मेड ऑफ सैकमोस एपिथिलियम। जी सा बॉडी की स्किन होंगी है ओके वह भी कि बनी होंगी है इन्ना ही एपिथिलियम की बनी होंगी है जी सा बॉडी प्रोटेक्ट करती है। स्किन तुम्हें पता है साड़ी बॉडी प्रोटेक्ट करती है एज अ बैरियर हैल्प करती है साड़ी बॉडी की कि कोई भी मतलब जिहड़ा बाहरों फॉरन मटीरियल है ईजली की है साड़ी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। स्किन एपिथिलियल सैल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वीयर एंड टीयर। भाव जे एपिथिलियल सैल्स होंगे स्किन के बहुत प्रॉपर तरीके अरेंज होंगे बहुत सारिया लेयर्स के ताकि जी सा स्किन कोई भी नुकसान ना पहुँचे। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथिलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैकमोस एपिथिलियम। जिस तरह के दसिया कि बहुत ही तरीके पैटर्नस के अरेंज होंगे है सो इस एपिथिलियम की बोलिया जाता है स्ट्रैटिफाइड सैकमोस एपिथिलियम। आ तुसी देख सकते जो ये जी डायग्राम आ स्ट्रैटिफाइड सैकमोस एपिथिलियम की है जिदे विच बहुत सारिया लेयर्स जड़िया है एक डेफिनेट पैटर्न दे विच अरेंज होंदिया ने। नैक्सट वेयर एबजॉर्प्शन एंड सेपरेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथिलियल सैल्स आर प्रेजेंट। जिहड़ी साडी इनर लाइनिंग होंदी है इंटेस्टाइन दी साडे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होंदा इंटेस्टाइन उहदे विच जिहड़े सैल्स प्रेजेंट होंदे आ ठीक आ उह किहड़े होंदे आ टॉल ठीक है टॉल होंदे आ। दिस कॉलनर एपीथिलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपीथिलियल बैरियर। जिहड़े ए वाले साडे इंटेस्टाइन दे विच होंदे आ उहनां नूं असीं बोलदे आ कॉलनर एपीथिलियल सैल्स ठीक है जां कॉलनर एपीथिलियल टिश्यूज भी आपां बोल सकदे आ ये टॉल होंदे आ देखो ओके। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमर एपिथिलियल टिश्यूज आल्सो हैज सिलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एपिथिलियल सेल्स। दीज सिलियस कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लीयर इट। दिस टाइप ऑफ एपिथिलियम इज दस सिलिएटेड कॉलमर एपिथिलियम। हाँ जी भी जेडे साडा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुंदा है ठीक है जोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे है उद्दे भी सेम इस तरीके कॉलनर ही होंगे एपीथिलियल टिश्यूज बट उद्दे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंदिया ने छोटिया छोटिया जिसका की काम हों कि असं सिलिया बोलते हैं जिहड़ियां हेयर लाइक छोटिया छोटिया प्रोजैक्शन होंगे उन्होंने असं सिलिया बोलते हैं ओके। और वह सिलिया जिहड़ा है जिहड़ा म्यूकस होंदा है उन्हें पुश करन दे विच हेल्प करता है ताकि उहदे नाल की है क्लीयर हो सके साडा जिहड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक आ। सो उस एपीथिलियम टिश्यूज नूं असीं की बोलते हैं सिलिएटेड कॉलनर एपीथिलियम ओके वह फिर की हो जाता है सिलिएटेड कॉलनर एपीथिलियम। नाउ लास्ट क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपीथिलियम जिहदी क्यूब शेप होंदी है फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपीथिलियम साड़ी किडनी ट्यूब्यूल्स दे विच प्रेजेंट होंदी है जिहड़ियां सैलवरी ग्लैंड्स होंदियां ने माउथ दे विच जो सलीवा प्रोड्यूस करते हैं उन्हां दे विच प्रेजेंट होंदे आ क्यूबॉइडल एपीथिलियम। और इहदा मेन फंक्शन की हुंदा है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एपीथिलियल सैल्स ऑफन अक्वायर एडिशनल स्पैशलाइजेशन एज ग्लैंड सैल्स विच कैन सक्रीज सबसटांसिज एट द एपीथिलियल सरफेस। ये एपीथिलियल सैल्स है कुछ इन्हों की है स्पैशल ग्लैंड होंदिया ने जो कि सक्रीट कर दया ने कुछ यहोजे सबसटांस सक्रीट कर दया ने जो उन्होंने पार्ट्स के जिन्हों की जरूरत होंगी है। समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपीथिलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड्स एंड ए मल्टी सैलर ग्लैंड इज फॉर्मड। समटाइम्स की होंगे कि जो एपीथिलियल टिश्यूज होंगे ना इन फोल्डिंग हुई होंगी है इनवर्ड अंदरली साइड न एंड अ मल्टी सैलर ग्लैंड इज फॉर्म तो की है एक ग्लैंड फॉर्म कर लेंगे जी मल्टी सैलर भाव बहुत सारे सैल्स की बनी होंगी है। दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपीथिलियम। फिर असं उसू की बोलते हैं ग्लैंडुलर एपीथिलियम भाव जो क्यूबॉइडल एपीथिलियम होंगे समटाइम्स की है उन्होंने की है फोल्डिंग हुई होंगी है इनवर्ड ठीक है अंदरली साइड न फिर असं की बोलते हैं ग्लैंडुलर एपीथिलियम। हाँ जी बच्चों इस वीडियो के आप इन्ना ही पढ़िया है कि साढ़े जोड़े एपीथिलियल टिश्यूज होंगे वो साढ़े बॉडी
ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸੈਫਮੋਸ, ਕੁਬਾਇਡਲ, ਓਕੇ, ਕਾਰਨਰ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਫਮੋਸ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।